तो गाइस अभी अपना बाइक का जो रीडिंग है 642 किलोमीटर हो चुका है जब से अपन ने बाइक की डिलीवरी ली है। तो बेसिकली मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ लातूर को, क्योंकि मुझे बाइक का सर्विसिंग कराना है 750 के अंदर पर सर्विसिंग। और जो आप फ्यूल इंडिकेटर देख रहे हैं अभी, शायद आपको पता नहीं धूप की वजह से दिख रहा हो कि नहीं, एक इंडिकेटर रह गया है फ्यूल इंडिकेटर, वो भी ब्लिंक कर रहा है। एंड पेट्रोल जो है कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो अराउंड मेरे आई गेस कि 1.5 लीटर तक तो पेट्रोल अंदर होगा ही होगा। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि बाइक को जो है मिडिल स्टैंड नहीं है। अभी जो अगर क्लच चेन लूप करोगे, चेन क्लीन करोगे, या टायर पीछे का जो पंचर निकालना है वो करना है, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला। तो जैसे कि अपना भारत पूरा जुगाड़ पे पड़ा है, तो यहाँ पे जुगाड़ देखो क्या किया लोगों ने, सपोर्ट दे दिया और गाड़ी जो है अपने जुगाड़ू तरीके से खड़ा कर दिया। पता नहीं अभी सर्विस होने तक ठीक ठाक खड़ी रहे, बस इतना ही है। देखते अपना ऑयल कैसा होता है बाइक में से। इधर आ, जो ऑयल अपन डाल रहे हैं वो है अभी हीरो एक्सोटिक ऑयल है, जो 6000 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद 6000 किलोमीटर बाद अपन सर्विसिंग कराएंगे। तो गाइस अभी लंच टाइम हो चुका है और अभी बज रहे हैं देर, अभी आधे घंटे का ब्रेक है, काम सिर्फ 15 मिनट का रह गया। गाड़ी की वॉशिंग करके मेरे को हैंड ओवर करनी है, 15 से 20 मिनट का काम रह गया। पता नहीं अभी इसके लिए 1 घंटा रुकना पड़ेगा, और इतने देर से वो लोग बोल रहे थे पैकिंग नहीं है, पैकिंग नहीं अवेलेबल हो गया। दूसरे गाड़ी का शायद जो पहले वाला एक्सपल था उसका ही फिट हो रहा है इसके। तो गाइस अभी फ़िलहाल इसमें नाइट्रोजन एयर फिलअप हो रहा है, पीछे के टायर का चेक कर रहे अभी। उसके बाद अपनी वॉशिंग होगी ये साइड। सर्विसिंग हो चुकी है और अपना सर्विसिंग कॉस्ट जो है 1245 रुपीज़ फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट, वो भी मैंने 1150 रुपये का जो है एक्सोटिक ऑयल डाला, उस वजह से इतना रेट हुआ है। इंजन ऑयल चार्जेस रुपीज़ 1175, चेन क्लीन एंड लूब 70 रुपीज़ चार्जेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।